हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और स्टडीज को एंजॉय कर रहे हैं बेंचर्स आईक्यू के साथ में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पॉलिटी का एक नया सेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जिसके अंदर हम पॉलिटी को पूरी तरीके से ए टू जेड कवर करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे कि आपके एग्जाम का सारा पोर्शन कवर करेंगे आप लोग, है ना। सारा एग्जाम के क्वेश्चन जो अब तक आ चुके हैं, आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मैटर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो डोंट एवर फॉरगेट टू प्रेस दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन और सजेस्टेड लिंक्स में जाकर के आप सारे वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर, उसके साथ ही इंग्लिश की भी सीरीज चल रही है, जो बेस्ट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेस्ट फैकल्टीज आपको आपके लिए वर्क कर रही हैं। आप हमारे लिए थोड़ा सा वर्क कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सेक्टर, जो कि आपके एग्जाम का मैक्सिमम पोर्शन जीके कवर करता है ना। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर अगर मैं बात करूँ, पॉलिटी का इतिहास क्या है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, ठीक है। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कहाँ से शुरू हुई पॉलिटी, कहाँ से शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस की प्रक्रिया, कहाँ से शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कहाँ से शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, कहाँ से उसका वर्क स्टार्ट हुआ और आज हम जिस तरह के गवर्नमेंट और गवर्नेंस के प्रोसीजर में रह रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या रह चुका है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेंगे हम इसके अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कि भारत में ब्रिटिशर्स कब आए। देखिए, हमारे यहाँ पे जो पॉलिटी शुरू हुई, गवर्नेंस शुरू हुई, वो सबसे पहले शुरू हुई ब्रिटिशर्स से, ठीक है। ब्रिटिशर्स भारत में कब आए थे, आप सभी को बताएं, 1600 ईस्वी में वो भारत में आए थे। जब वो भारत में आए, उस समय उनका पूरा फोकस किस पे था, भारत में ट्रेडिंग पे, मसाले और भी दालें, गेहूं, चावल, चना, सभी चीज़ें वो हमारे यहाँ से क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। उनका पूरा फोकस था भारत के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग करने का। धीरे धीरे उन्हें लगा कि अब हमें यहाँ पे सत्तात्मक प्रक्रिया को अपनाना होगा, हमें यहाँ पे रूलिंग पावर यूज़ करनी होगी, क्योंकि भारत एक बहुत ही कमज़ोर प्रवृत्ति का देश है, जहाँ पे पहले अब तक डायनेस्टी सिस्टम चल रहा था, राजा महाराजाओं का काल चल रहा था, अब उसे ओवर करके हमें क्या करना होगा, राजा महाराजा जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको दबा करके भारत को अपने अंडर में करना। और अगर भारत को अपने अंडर में कर लिया, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर तरीके से ब्रिटिश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएगा, ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उन दिनों में ब्रिटिशर्स का पूरा मकसद था कि वो पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व में हर एक देश, हर एक हिस्से को अपने अंडर में करें, इसीलिए उन्होंने भारत को निशाना बनाया। 1600 ईस्वी में वो भारत आए। भारत आने के बाद में उन्होंने व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे कंपनी स्टैब्लिश की यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही यहाँ पे एलिजाबेथ, जो कि वहाँ की क्वीन रह चुकी है, एलिजाबेथ का चार्टर लेकर आए वो। उस चार्टर के थ्रू उन्होंने हमारे यहाँ पे कंपनी रूल स्टैब्लिश किया 1773 में। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, उससे पहले रूलिंग स्टार्ट कर चुके थे वो, गवर्नर जनरल पोस्ट स्टैब्लिश कर चुके थे, और भी कई तरह की सत्तात्मक इंटरफेरेंस, जिसे हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कह सकते हैं, वो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में पहला लीगल, हम कह सकते हैं, या पॉलिटिकल एक्शन जो था ब्रिटिशर्स का, वो था कंपनी रूल 1773, कंपनी एक्ट 70, या रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहा जाता है, इसके अलावा आप कंपनी एक्ट भी कह सकते हैं, कंपनी एक्ट इज द मेन नेम। कंपनी एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिशर्स लेकर आए। इसके थ्रू उन्होंने क्या क्या किया, तो सबसे पहले तो द फर्स्ट स्टेप वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक सिर्फ व्यापार कर रही थी, उस व्यापार को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने।
ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अच्छे पैर मजबूत कर चुकी है भारत में, अब हमें उसे अपने कंट्रोल में लेना होगा, जिससे कि एक बनी बनाई स्टैब्लिश्ड जो हम कह सकते हैं पार्टी हमारे अंडर में आ जाएगी, ठीक है। और जो ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे थे लोग, वो अपने हिसाब से अपनी प्रक्रियाओं के मुताबिक यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे, उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोई कंसर्न नहीं था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें अपने अंडर में लेने के लिए, और जब यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, सबसे पहला स्टेप उठाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अपने कंट्रोल में कर लिया। तो यहां से शुरू हुआ ट्रेडिंग से पॉलिटिकल सिचुएशंस में इंटरफेयर करने का मुद्दा, या ट्रेडिंग से पॉलिटिकल सिचुएशन में, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में घुसने का मुद्दा शुरू हुआ। उसके बाद इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल फोर्ट विलियम एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया गवर्नर पद की स्थापना पहले ही की जा चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ में ही गवर्नर पद की स्थापना की जा चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि ये लोग नया एक्ट लेकर आए थे, नया रूल लेकर आए थे, तो इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल जीजी जो उस समय कहलाते थे, कौन उस समय थे, जीजी फोर्ट विलियम, 1773 में जीजी कौन थे, फोर्ट विलियम, उनको क्या पद दे दिया उन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, जो सिर्फ गवर्नर जनरल हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें एक पूरा क्षेत्र बंगाल, जिसके अंदर बिहार उड़ीसा दीवानी सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ बंगाल को सबसे पहले अपना निशाना बनाया, बंगाल के अंदर उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐड कर दिया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बना दिया गया, फोर्ट विलियम को, जो पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक हुआ करते थे, अब वो एक बंगाल जो कि भारत का हिस्सा है उसके मालिक बनने जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग जो थे, पहली बार जब गवर्नर जनरल बदला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, तब कौन आए, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द जीजी ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज स्टैब्लिश, 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। देखिए बहुत सिंपली, बहुत प्लान्ड वे में चले वो लोग, सबसे पहले जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी बनी हुई थी, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को भारत में बहुत पसार रखा था, लेकिन एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, और उन्होंने गवर्नर जनरल पद स्थापित कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, वो पद अब उन्होंने एक हमारे भारत के क्षेत्र के ऊपर स्थापित कर दिया था, वो था बंगाल। उस समय बंगाल एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, बंगाल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी व्यापार क्षेत्र के मुताबिक, और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत क्योंकि बंगाल साइड से हुई, तो बंगाल में सबसे पहले उन्होंने जीजी पद की स्थापना की, और जीजी सिर्फ जीजी जो कहलाते थे, गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ही वॉज फोर्ट विलियम एट दिस टाइम 1773। बट जैसे ही उन्होंने इस पद की स्थापना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में की, इस पद को बदलकर जीजी को बदलकर जीजी ऑफ बंगाल कर दिया गया, तो उस समय जो बने गवर्नर जनरल वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो आता है वॉरेन हेस्टिंग। और उसके साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय गवर्नर जनरल जो था वो था फोर्ट विलियम, और जैसे ही उस पद को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, तो कौन हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके। फिर उसके अंडर में 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। There was no separate legislative council, कोई अलग से legislative council नहीं होगा, ये 4 member का executive council होगा, जो कि किसके under में काम करेगा, Governor General of Bengal के under में। मतलब legislative council को हटा दिया गया, executive council की स्थापना की गई। दूसरा point, ठीक है, इट सबॉर्डिनेटेड द गवर्नर्स ऑफ बंगाल। अच्छा, सबॉर्डिनेट कर दिया किसको, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास को किसके सबॉर्डिनेट कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। उसी के साथ में द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया एट फोर्ट विलियम कोलकाता एट द एपेक्स कोर्ट।
कोलकाता के अंदर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसे क्या नाम दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट अभी जाना जाता ही है, पहले जब इसकी स्थापना की गई तो इसे क्या नाम दिया गया था, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट की स्थापना 1774 के अंदर की गई, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्ट, अच्छा सबसे बड़ी चीज जो यहाँ लेकर आए, सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ लेकर आए, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, हर एक व्यक्ति जो अपना प्राइवेट ट्रेडिंग भारत में कर रहा है, प्राइवेट वर्क कर रहा है, प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहा है, उन सभी को किसके अंडर में आना होगा, कंपनी रूल के अंडर में। कोई भी ब्रिटिशर जो भारत में व्यापार कर रहा है उसको कहाँ आना होगा, कंपनी रूल के अंडर में आना होगा, वो अपना अलग से व्यापार स्थापित नहीं कर सकता, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, और जो व्यक्ति इसके अंडर में आएंगे, जो भारत में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कंपनी रूल के अंदर आ रहे हैं, उन सभी को अपना पूरे रिपोर्ट जो है रेवेन्यू की, वो कहाँ सबमिट करनी होगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। समझ में आ गया आपको, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 1773 के एक्ट के तहत। अब देखिए अभी तक तो शुरुआत थी, 1773 में तो कंपनी रूल शुरू हुआ था, कंपनी रूल चला कब तक था, 1858 तक। 1857 की क्रांति हुई तब ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कंपनी रूल काम नहीं कर रहा है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डायरेक्ट क्राउन रूल लाना पड़ेगा, कंपनी रूल फेल हो रहा है, इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रही कंपनी रूल को, कंपनी रूल को चेंज करो और क्या लेकर आओ, क्राउन रूल लेकर आओ, डायरेक्ट क्राउन रूल होगा, अपने आप भारतीय चुप हो जाएंगे। 1857 के बाद 1858 के अंदर क्राउन रूल लाया गया जो कि 1948 तक चला। समझ में आ रहा है आपको, चीज़ें बहुत क्लियर है। 1773 में कंपनी रूल शुरू हुआ, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, 1600 के अंदर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टैब्लिशमेंट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टैब्लिश करने के बाद में सिर्फ ट्रेडिंग होती थी, ट्रेडिंग के मकसद से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टैब्लिश की और उसका गवर्नर जनरल पद बनाया गया। उस पद पर 1773 में ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अब जब पूरी चीज़ें कंट्रोल में लानी है, हमें भारत को अपने अंडर में लाना है, ट्रेडिंग स्थापित हो चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी है, तो क्या करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर में कर लो। तब कंपनी रूल लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, कंपनी रूल स्टैब्लिश किया गया 1773 में, जो कब तक चला, 1858 में। इसके बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे एक्ट पास गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए उन एक्ट में, और उन सब के बाद में अल्टीमेटली क्राउन रूल, जब उन्हें 1857 में ये लगा कि अब हमें ज़रूरत है कुछ नया करने की, क्योंकि 1857 की क्रांति, इसका मतलब भारतीयों में पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है खून खौल रहा है, उसे शांत करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्राउन रूल लेकर आना होगा। तब वो लोग 1858 में डायरेक्ट क्राउन रूल लेकर आए, जिसे भी भारतीयों ने नहीं बिल्कुल कंट्रोल करने दिया, और 1947 के अंदर हम आज़ाद हो गए। 1948 तक हमने इनका रूल टॉलरेट किया, हैंडल किया, एंड अल्टीमेटली इनका पूरा रूल खत्म हो के भारत का एक नया संविधान स्थापित हुआ। लेकिन क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी गवर्नेंस, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि 1857 में आज़ाद होने से पहले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, हम कैसे ब्रिटिशर्स क्रोनोलॉजिकली कैसे चल रहे थे, किस तरीके से वो रूल कर रहे थे, उनके क्या सिस्टम थे। तो आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने किस पद की स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की स्थापना की। 1773 के एक्ट के अंदर 1781 में एक अमेंडमेंट किया गया, 1781 में कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए गए, किसके अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। उस अमेंडमेंट के कारण एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उस अमेंडमेंट को क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ओके। तो इस एक्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। उसके अलावा नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसमें काफ़ी, जैसे रेवेन्यू मैटर्स को अलग कर दिया, और भी कई सारे छोटे मोटे अमेंडमेंट्स किए गए, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है
उसके अंदर जो कमियां थी उसे सुधारने का काम कहाँ किया गया, 1781 के एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। उसके बाद में हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। 1781 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, लेकिन तीन साल तक देखने के बाद में अगले तीन साल में ऐसा रियलाइज हुआ ब्रिटिशर्स को कि हम वो नहीं पा पा रहे हैं जो हमें चाहिए, है ना, जो इंडिया से हमें चाहिए हमें वो मिल नहीं रहा। तो वो एक नया एक्ट लेकर आए, वो लेकर आए पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। इसके अंदर क्या किया गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों मैटर्स को अलग अलग कर दो, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस जो कंपनी के थे उन सबको अलग कर दिया, मतलब पूरी पूरी प्लानिंग कर दी, स्टार्ट कर दिया इंटरफेयर करना पॉलिटिकल मैटर्स में, पॉलिटी को पूरे अपने कंट्रोल में लेने के लिए क्या किया, पहले तो कंपनी ने खुद के थ्रू, कंपनी के थ्रू ही एंटर किया है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू क्या किया, एंटर किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को के अंडर में, किसको ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके थ्रू एंटर किया 1773 में। 1781 में ये शो किया कि इसके अंदर जो कमियां हैं हम उसे शो जो है बिल्कुल सुधारेंगे, उस पर काम किया जाएगा, जिसके अंदर रेवेन्यू मैटर्स को निकाल दिया गया, ठीक है। उसके अलावा और भी छोटे मोटे जो अमेंडमेंट्स किए गए उसको डिस्कस करना जरूरी नहीं क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया, उसके बाद भी तीन साल तक देखा गया कि ये एक्ट कैसे काम कर रहा है, और फिर ब्रिटिशर्स को लगा अब हमें ज़रूरत है इंडिया को अपने कब्जे में करने की। इंडिया को कब्जे में करना मतलब इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दो। इंटरफेयर करना तो पहले ही स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें ये लगा कि कमर्शियल मैटर्स जो है उनको पॉलिटिकल मैटर्स से क्या कर दो, अलग कर दो। जो भी कमर्शियल मैटर्स हैं उसके लिए एक अलग कमेटी बना देते हैं, पॉलिटिकल मैटर्स को अलग से हैंडल करते हैं। अब इंडियंस को हमारी ज़रूरत हो चुकी है, इंडियंस को लग रहा है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, और इसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर्स को क्या कर दिया, बिल्कुल अलग अलग कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल फंक्शन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जबकि कमर्शियल मैटर्स के लिए क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए। मतलब पूरी प्लानिंग कर दी गई है कि पॉलिटिकल सिस्टम को अलग से कंट्रोल करेंगे हम और कमर्शियल सिस्टम को अलग से। कोई भी देश के अंदर जब भी किसी देश को चलाया जाता है तो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है गवर्नेंस और दूसरा होता है उस देश के इकोनॉमिकल फैक्टर्स का। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में पिट्स इंडिया एक्ट जो आया गया उस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड अलग से बना दिया गया जो क्या करेगा, कमर्शियल फंक्शंस को हैंडल करेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको अलग से क्रिएट कर दिया गया जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करेगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पूरी प्लानिंग कर ली गई कमर्शियली और पॉलिटिकली भारत को अंडर में लेने की, ठीक है। रिड्यूस दी स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल टू थ्री मेंबर्स। जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसके जो पावर्स थे उनको थ्री मेंबर्स जो थे उनकी पावर्स को, उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। इसके अलावा और क्या किया गया, प्लेस्ड दी इंडियन अफेयर्स अंडर दी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ा स्टेप था पिट्स इंडिया एक्ट, इसीलिए पूछा जाता है ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत इंडियन अफेयर्स को डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया गया, वो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो इंडियन अफेयर्स थे जितने भी इंडिया के मैटर्स होंगे उन सबको कहाँ डायरेक्ट कहाँ भेजा जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में जो कंपनी स्टैब्लिश थी वो कर रही थी, फिर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थोड़ा थोड़ा इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजिशन ऑफ इंडिया और इन इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द ब्रिटिश पोजिशन ऑफ इंडिया का टैग कंपनीज को कब दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या किया गया, जो कंपनीज इंडिया में एस्टैब्लिश है इंडियन टेरिटरी के अंदर वो क्या कहलाएगी, द ब्रिटिश पोजिशन ऑफ इंडिया। इससे पहले हमें भारतीयों को ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स आए हैं वो हमारी मदद करने आए हैं, यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन नाम तो हमारा ही है। अब तो नाम भी किसका आ गया, ब्रिटिशर्स का आ गया था। गवर्नर्स काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे। जो गवर्नर काउंसिल अब तक सिर्फ बंगाल में एस्टैब्लिश थी, कहाँ एस्टैब्लिश हो गई,
मद्रास और बॉम्बे में भी स्टैब्लिश हो गई। एपेक्स कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया, गवर्नर जनरल को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। उसके अलावा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिया है, उसमें अमेंडमेंट करके 1781 के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लिया है, जिसके अंदर सारे जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं रेवेन्यू सिस्टम को क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए, जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जैसे कि ब्रिटिश पोजीशन के अंदर इंडिया आ गया, उसकी सारी टेरिटरी के अंदर जितनी भी कंपनीज है कहाँ आएगी, ब्रिटिश पोजीशन में आएगी। इसके अलावा जो इंडियन अफेयर्स है वो डायरेक्ट कहाँ चले गए, ब्रिटिश कंट्रोल में चले गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए। इसके अलावा जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनको कमर्शियल मैटर्स से अलग कर दिया, दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड और डायरेक्टर्स का अपॉइंट कर लिए गए। ठीक है, ये आज हमने जितना स्टडी किया वो हमने स्टडी किया है शुरुआती दौर का, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस शुरू हुआ, जहाँ से ये वर्ड निकले, जहाँ बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा वो हमने स्टडी किया। फिर एक बार बता देती हूँ मैं आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेंगे हम लोग, कैसे स्टडी करेंगे। 1600 में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, शुरुआती दौर में सिर्फ ट्रेडिंग, के बाद में अल्टीमेटली दे रियलाइज कि हमें क्या करना होगा, कंपनी रूल स्टैब्लिश करना होगा। हमें ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इंडिया हमारे हाथ में आ सकता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कहाँ ले लेंगे, हम कंपनी रूल में ले लेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में ले लेंगे। इसलिए वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर आए, उसके अंदर कुछ कमियां थी, उनको अमेंड करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। उसके बाद में 1781 के बाद, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद भी जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो ब्रिटिशर्स को लगा अब हमारा टाइम आ गया है जब ब्रिटिश इंडिया को और अपने कब्जे में लाना है, इसलिए उनके पॉलिटिकल मैटर्स में हस्तक्षेप करने का सबसे अच्छा तरीका एक नया एक्ट पास कर दो। तब आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हमने जो चीज़ें पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, मैं आपको बताती हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ एक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन अब तक बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे, उनमें से एक है पिट्स इंडिया एक्ट। सो इसे याद करना, आप इसे समझना, इसे देखना ना भूलिए। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है आपको, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी हेयर, और कल हम फिर से एक नया एक्ट लेकर आएंगे, नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में कैसे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं, कैसे क्राउन रूल आता है, ब्रिटिश का जो ये कंपनी रूल है ये खत्म होकर के क्राउन रूल शुरू होता है, क्यों हुआ 1857 की क्रांति के बाद में, और क्राउन रूल के बाद में ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ के जाना पड़ा और हमें अपना खुद का एक अलग से संविधान और अलग से संवैधानिक प्रणाली मिली। ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखना ना भूलिए बैंचर्स IQ, और सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप हमेशा हमारे साथ में बने रहें और जैसे ही नया वीडियो आता है आप उससे अपडेट होते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।